हेलो एवरीवन, जय शंकर महाराज। सबको प्यार मोहब्बत नमस्ते मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से। कुछ लोग मिसिंग है एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मेरे चाहने वाले होगा भोले शंकर महाराज जी का एंड कि गाना ट्रेंडिंग पे चल रहा है और 7-6-7 नंबर पे पूरे इंडिया में। एंड टीजर भी हमारा 3-4 दिन रहा था ना, तो वैसा ही प्यार आप इस गाने पे दे रहे हैं कंटिन्यूसली, तो गाना बढ़िया चल रहा है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर देखे अभी यूट्यूब पे सिर्फ समार इमेज में, और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे भी मेरा लिंक है यूट्यूब का। तो मैं आपको इस जो गाने की जो टीम थी लारी टोटली, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, फिर हम आपके लिए इस गाने को एक स्थाई कंतरा पूरा गाएंगे लाइव। तो मेरे साथ है रिकी भाई, कि अब रिकी भाई बताएंगे, अब इन्होंने ऑडियो बनाया हुआ है तो ये बताएंगे कि इस ऑडियो का जो जर्नी थी वो कैसी गई थी। ऑडियो की जर्नी कुछ इस तरीके से थी कि मैं बाबा जी से मिला, मेरी बड़ी इच्छा थी मतलब बाबा जी से मिलने की, उसके लिए मैंने बहुत एफर्ट किया है वो बाबा जी को भी पता है। जब मैं मिला बाबा जी ने मुझे एक पंजाबी गाना दिया जो हम कर रहे हैं, शायद इन फ्यूचर वो आएगा भी जल्दी से पॉसिबल। तो करते करते बाबा जी के पास एक लाइन थी, बाबा जी कहते कि मैंने चलो गाड़ी में आते आते ये रिकॉर्ड किया है, और वो लाइन भाई सुमन ठाकुर जी, राइटर है सुमन ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश से। हाँ जी, तो बिलासपुर से उन्होंने लिखी एडवोकेट है। हाँ जी, तो उन्होंने अभी फिलहाल मेरे को उतनी सी लाइन दी थी, मैंने उसी टाइम 15-20 मिनट में कंपोज करी, तो ऐसे यहाँ पे गाजी उसको कंपोज किया आपने, तो वो हमने जस्ट रिकॉर्ड किया, इतना पार्ट उसका स्थाई था हमारे पास उसकी। मतलब ये है कि रैंडमली मतलब वन टेक में ही उसकी कंपोजिशन हुई, रिकॉर्ड भी एक टेक में ही हुआ एकदम। मतलब ये नहीं है कि कंपोज किया, वो माइक आके था, वो साथ के साथ ही कंपोज होता रहा, साथ के साथ वो रिकॉर्ड। तो हमने पिछला गाना छोड़ के फिर हमने इस पे फोकस किया, क्योंकि मुझे लगा इसमें एक वाइब है तो हमें ये करना चाहिए। भाई इसमें है वो आप लोगों को भी पता है, जैसे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि गाने में हम जैसे सुना तो इसमें थोड़ा रोने वाली फीलिंग आई। तो मैं आपको याद होगा आपने मेरे को रात को 4 बजे गाना भेजा था, तो मैं भी भाई इस गाने को सुन के कंटिन्यूअसली रोया था, आपने मुझे बताया था। हाँ, काफी टाइम के बाद रोया था। तो ये गाना इतना प्यारा है कि मेरे बहुत करीब है, तो पर्सनली मेरे। तो इस गाने को हम आज जो हमारे साथ शूट किया है वीडियो डायरेक्टर वन मैन आर्मी जयशंकर, हमने कहा किया कैसे किया शूट की जर्नी, तो स्टार्ट हुई थी जब आपने बरिकिया ने मुझे बुलाया कैसे कि यार ये गाना बाबा जी का सुनो पहले, तो जैसे सॉन्ग सुना तो हम तो शॉक्ड। अच्छा जी, बिल्कुल शांत मतलब मैं बता नहीं सकता कैसा था हमारा एक्सप्रेशन, मतलब बिल्कुल ऐसे बोलने लायक ही मुझे वर्ड्स ही नहीं है, मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए इतनी बड़ी चीज है वो, हम उसको वर्ड्स में नहीं कर सकते। शायद मैं जो एक्सपीरियंस मैंने उस टाइम किया शायद मैं वो एक्सप्लेन कर भी नहीं पाता आगे। अच्छा, मैं कर ही नहीं सकता कि वो उस टाइम जो फील हुआ वो हम कर ही नहीं सकते आगे कि हाँ मतलब उस चीज को कितने अंदर तक वो चीज छुई हमारे। तो फिर हमने सोचा कि भैया आपने जैसे बोला कि इसको पहले शूट ये करना है हमने पहले, क्योंकि हाँ मैं न्यू ईयर की शुरुआत इस गाने से करना, साल की शुरुआत इस चीज से करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर मेरे लिए कुछ भी नहीं है जिंदगी में, मतलब ये गाना है ही ऐसा अगर साल की शुरुआत ऐसे गाने से मिलती है तो, और वो भी की ट्रेंडिंग पे भैया ने बोला कि कॉन्सेप्ट रेडी करते हैं, तो कॉन्सेप्ट हालांकि रियलिटी बेस्ड है वो, तो जैसे आपको रियलिटी बेस ही है क्योंकि हर एक इंसान पे स्टोरी फिट बैठती है, इसको तरीके से सुनेंगे आप लोगों ने सुना होगा पक्का। आप एक बात हमारी मानना कि एक बार अकेले में जरूर सुनना उसको गाने को, एयरफोन लगा के फील आपको ज्यादा फील होगा ना, जो अंदर तक रूम तक पहुंचेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमने प्लान आउट किया कि इसको हमको कब शूट करना है कब नहीं करना है, तो फिर हमने उसके अकॉर्डिंग हम लोग गए लोकेशन पे। तो जो हमने मनाली गए सबसे पहले, तो हमारा डिसाइड नहीं था हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, फर्स्ट डे क्या रहेगा सेकंड डे क्या रहेगा, बिकॉज ये क्योंकि लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता थी कुछ भी, लोकेशन का थोड़ा सा था ऐसा। तो फर्स्ट डे हमने करा शूट, करा ओवरऑल शूट निपटाया हमने, तो सेकंड डे था, तो सेकंड डे हम लोग रात को बैठे थे, बैठ के डिस्कस ही कर रहे थे,
तो जस्ट बाबा जी बोलते काश यार आस पास ही बर्फ पड़ जाए तो मजा आ जाएगा। सही में सही और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, मतलब हम झूठ नहीं बोल रहे। उसी दिन वो टर्न माफ कर भगवान, अगर झूठ बोल, झूठ तो हम बिल्कुल नहीं बोल रहे। हमारा प्लान था त्रिलोकनाथ, त्रिलोकनाथ का था मनाली का। जाने से पहले बाबा जी ने कहा था कि हमें कुछ प्लान नहीं होता, बट जो चीज हमें चाहिए होती है भोलेनाथ हमें दे देते हैं। वो ऐसे हुआ, दो तीन गानों में हो गया, मेरे हर गाने में वैसे। बिल्कुल। फिर उसके बाद अगले दिन ही हमको वो बर्फ अंजनी महादेव, अंजनी महादेव नाला के पास वहाँ, बस उसी दिन फर्स्ट स्नोफॉल हुआ, स्नो मनाली का वो फर्स्ट स्नोफॉल था, तो बड़े खुश हुए उस चीज को देखकर। सुबह ही निकल गए शूट पे, और फिर शूट जो वहाँ पे करना, एक तो नंगे पैर बाबा जी वहाँ आग में भी पैर रखे तो कुछ फील नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा वहाँ पे कि हाँ आग। हैट्स ऑफ टू बाबा जी, हैट्स ऑफ, बिल्कुल हैट्स ऑफ सबको यार। सब और ऐसा नहीं कि कोई एक शॉट को एक बार करना, नहीं, सम टाइम्स ऐसा होता है कि शॉट परफेक्ट नहीं आता, उसको दोबारा से करना पड़ता है। 10-20 बार तो लेटा हूँ। हाँ, जो वो शॉट है। और फिर पंडित जो हमारे बने उसमें जो ड्रोन पे है, सतीश भाई, वो मेरे को ऐसे जो ध्यान लगा रहे यार, क्या हो रहा है। अब उठाना भी तो है ना, क्यों उठा भाई, थोड़ा नहीं वो बाबा जी गिरा, खुद बाबा है, हालांकि उनको रोल खुद बाबा का मिला वगैरह, बाबा जी उठो, बाबा जी वो रोल में भी नहीं बोला जाता कि नाम ले, मतलब वो निकलते नहीं, अंदर से निकलते नहीं, हालांकि मैं बोला मैं शूज ले आता हूँ बाजू लेने, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। मतलब वो एक्सपीरियंस बहुत अलग था, बहुत बढ़िया था, हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। बिल्कुल। और बहुत मजा आया था, हमें 3-4-5 दिन का शूट था, पांच दिन का था टोटल मिला के। तो अभी हम आपके लिए गाना, तो आपने आपकी वजह से अर्पणेशन की कृपा से ट्रेंडिंग पे चल रहा है। बिल्कुल। तो ऐसा चलता रहे, ऐसा प्यार बनता रहे आपका हमारे लिए, और हम कोशिश करेंगे आपको हमेशा खुश रखने की, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट अर्पणेशन करके भजन गाने आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो अभी हम उसको थोड़ा सा लाइव गाएंगे, कोई सोचते हैं कि हमने शायद हॉट ड्रोन लगा दिया था। नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। चलो गाते, थोड़ा सा गाते, एक स्थाई का था Oh,
रविशंकर महाराज, थैंक यू सो मच इतना ज्यादा ढेर सारा प्यार देने के लिए। एंड हम सब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने अगर गाना नहीं सुना है, भजन नहीं सुना है, तो आप यूट्यूब पे जाइए और जरूर सुनिए एंड ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। जय शंकर, जय महाराज, जय बोले। इधर देना आदमी का एंड में इधर देना टिंग टिंग टिंग, काट देता हूँ, दो मिनट का।